अगली आज की हमारी बड़ी खबर, सड़क पर छात्र और पानी में सियासत। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि दिल्ली में जो घटना घटी पूरे देश में उसकी गूंज है, क्योंकि आप भी अपने बच्चों को दिल्ली पढ़ने के लिए भेजते होंगे, लेकिन दिल्ली के कोचिंग सेंटर में सिस्टम की लापरवाही ने 3 बच्चों की जिंदगी छीन ली। और इतनी बड़ी लापरवाही की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। एमसीडी ने इस मामले में एक इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया, एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। उधर दिल्ली पुलिस ने भी अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी की। दिल्ली पुलिस ने पानी में तेजी से कार चलाने वाले युवक तक को गिरफ्तार कर लिया, उसकी कार जब्त कर ली। अब अगर देखा जाए तो इस हादसे से जुड़े हुए हर शख्स पर कार्रवाई हो रही है, सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं। और आज देखिए प्रदर्शन हुआ है, बारिश के लिए भगवान तक को जिम्मेदार ठहरा देंगे सियासत, लेकिन आज यहां पर बीजेपी और उनके कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और आज प्रदर्शन किया है, कार्रवाई की मांग की जा रही है। यह मामला संसद में भी उठाए दर्शकों, लेकिन अब देखना यही है कि इस मामले में कब और कैसे कार्रवाई की जाती है। फिलहाल न्यूज का एक्सट्रीम इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे रोचक और जानकारी भरी खबरों के साथ। नमस्कार।